हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर को समझ चुके थे। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने किए थे, इस कंसेप्ट पे हमने डीपली डिस्कस किया था। आफ्टर दैट आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कॉन्स्टेंट प्राइस। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट टॉपिक नहीं है बेटा। जैसे कि हमने बताया था कि जीडीपी जो है वो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्वांटिटी इनटू प्राइस करके, है ना। तो हमने ये कहा था कि जब जीडीपी को हम करंट ईयर प्राइसेस पे ले रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे करंट जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। और अगर हम कहें कि उसको हम बेस्ड ईयर प्राइस पे ले रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियल जीडीपी। सेम ऐसे ही नेशनल इनकम को अगर हम करंट प्राइसेस पे एस्टिमेट करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। और अगर उसको बेस ईयर के बेस पे ले रहे हैं प्राइसेस को तो क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नेशनल इनकम एट करंट प्राइस? It is the money value of final goods and services produced by normal resident of a country in a year measured at the prices of the current year। अब देखो बेटा, सबसे पहले तो हमें समझना है, जब हमने जीडीपी को लिया था, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को पढ़ा था, तो हमने कहा था इट इज द मार्केट वैल्यू। बट यहां पे हम कह रहे इट इज द मनी वैल्यू, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जीडीपी एट एमपी ले रहे थे हम, क्योंकि हम जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किए गए थे उनकी जो मार्केट वैल्यू ले रहे थे, दैट इज जीडीपी एट एमपी। बट वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल इनकम, मीन्स एनएनपी एट एफसी। सो इट इज द मनी वैल्यू, क्योंकि ये क्या है, एनएनपी एट किस पे होती है, एफसी पे होती है। इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे हम बता चुके हैं आपको, इंटरमीडिएट गुड्स का कुछ नहीं होगा, हमेशा इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंक्लूडेड होती है। इसलिए हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ फाइनल गुड्स की। और जैसे कि हमें पता है नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं हम, एनएनपी एट एफसी की बात कर रहे हैं, तो नेशनल इनकम वो वाली इनकम होती है जो एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न की है, है ना। तो हम क्या कहेंगे, जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए किन के द्वारा, नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा। हु इज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री,
जिसका जहां पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है वो वहां का नॉर्मल रेजिडेंट होता है। हम इसको पढ़ चुके इस कंसेप्ट को, व्हाट इज हु इज नॉर्मल रेजिडेंट। हमने क्या पढ़ा था, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाइज कर रहा है जहां पे वो रहता है, तो वो वहां का क्या हो जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, जो नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस होती है वो क्या होती है, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन ए ईयर, मेजर्ड एट, किस पे मेजर होती है, प्राइसेस ऑफ करंट ईयर, जो भी करंट ईयर चल रहा है उसके बेस पे अगर हम प्राइसेस लेते हैं और फिर नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं, तो जो हमारी नेशनल इनकम ड्राइव होगी उसको क्या बोलेंगे हम, नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। और अब एग्जाम्पल भी ले रखा है, लेट्स सपोज हमें कहें कि मेजरमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम ऑफ 2019-20, अगर हम 1920 की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करें 1920 के प्राइसेस के बेस पे, तो जो नेशनल इनकम डेराइव होगी वहां से उसको हम क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइसेस। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल नेशनल इनकम। इसको हम क्या बोलेंगे, जो करंट ईयर प्राइस पे होती है, करंट प्राइसेस पे होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल नेशनल इनकम। और जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो नॉमिनल नेशनल इनकम होती है वो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ की ट्रू पिक्चर नहीं दिखाएगी, तो हम क्या लिखेंगे, इट डज नॉट शो द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। ये जो है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ की ट्रू पिक्चर शो नहीं करती, क्योंकि नॉमिनल नेशनल इनकम में भी इंक्रीज ड्यू टू राइज इन प्राइस लेवल विदाउट एनी चेंज इन फिजिकल आउटपुट। मतलब जो नॉमिनल नेशनल इनकम है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट आउटपुट ऑफ द गुड्स बढ़ाए बगैर, गुड्स और सर्विसेज का आउटपुट बढ़ाए बगैर हम नॉमिनल नेशनल इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं बाई इंक्रीजिंग प्राइसेस। तो इसका मतलब क्या होगा, इकोनॉमी में प्राइसेस अगर बढ़ती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ जनरेट नहीं होगी, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ कब जनरेट होगी, जब गुड्स और सर्विसेज का फ्लो बढ़ेगा। बेटा ये वाली जो कंसेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो एज इट इज हमने जीडीपी रियल और नॉमिनल में पढ़ा था, जस्ट डिफरेंस इतना है कि जीडीपी जो होती है वो मार्केट प्राइस पे होती है और वहां पे हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करेंगे, लेकिन नेशनल इनकम जो होती है वो फैक्टर कॉस्ट पे होती है, इसलिए हम मनी वैल्यू लिखेंगे और नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा होनी चाहिए नेशनल इनकम। और वहां पे जो मैंडेटरी फील्ड होता है वो क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी, और यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट, बाकी बात दोनों सेम ही है, बस जस्ट इतना डिफरेंस है, वहां पे हम जीडीपी एट एमपी की बात कर रहे थे और यहाँ पे हम एनएनपी एट एफसी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा, हमारा नेक्स्ट था नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस। अगर नेशनल इनकम को हम बेस ईयर प्राइस पे एस्टिमेट करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस। तो इसके लिए हम लिखेंगे इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड
बाई नॉर्मल रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट बेस ईयर, जो हमारी कांस्टेंट प्राइसेस जो होती है वो किस पे मेजर होती है, बेस ईयर प्राइस पे मेजर होती है। और बेस ईयर प्राइस के बारे में अगर हम लिखें कि बेस ईयर इज ए नॉर्मल ईयर, बेस ईयर कोई भी एक नॉर्मल ईयर हो सकता है विच इज फ्री फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशंस। जो ईयर, जिस ईयर में हमारी जो प्राइस फ्लक्चुएशंस थी वो बहुत ज्यादा नहीं हुई, लगभग प्राइसेस एवरेज रही, तो उस ईयर को हम क्या लेते हैं, बेस ईयर लेते हैं। और जो इंडिया जो है प्रेजेंटली 2011-12 इज टेकन एज द बेस ईयर इन इंडिया। इफ वी मेजर इंडियाज नेशनल इनकम ऑफ 2019-20 एट द प्राइसेस ऑफ 2011-12, अगर 2019-20 क्या आउटपुट और 2011-12 की प्राइसेस को लेके हम नेशनल इनकम को मेजर करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज रियल नेशनल इनकम एंड इट शोज द ट्रू पिक्चर। इट शोज द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। ये जो है एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ की ट्रू पिक्चर शो करती है, क्योंकि एनी इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम इज ड्यू टू इंक्रीज इन आउटपुट ओनली। क्योंकि अगर हम आउटपुट को बढ़ाएंगे तो ही हमारी नेशनल इनकम जो है कांस्टेंट प्राइस वाली इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये वो नेशनल इनकम है जिससे इंक्रीज होने से गुड्स और सर्विसेज का फ्लो बढ़ेगा, और गुड्स और सर्विसेज का अगर फ्लो बढ़ेगा तो पर पर्सन गुड्स की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, जिससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो अप होगा और लोगों का वेलफेयर होगा। इसलिए जो रियल नेशनल इनकम जो होती है वो वेलफेयर इंडिकेटर होती है बजाय कि नॉमिनल नेशनल इनकम के। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनता है बेटा, व्हाई डू वी मेजर नेशनल इनकम एट द प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। ये क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है कि हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर रहे हैं बेस ईयर प्राइस पे, व्हाट इज द रीजन बीइंग दिस, क्या रीजन है, क्या जरूरत है ऐसी कि हमें
नेशनल इनकम को मेजर करना पड़ रहा है किसी एक ऐसे ईयर की प्राइसेस के बेस पे जो ईयर जा चुका है। तो बेटा इसमें ऐसे कहा गया है, द नीड फॉर एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस अराइजेज बिकॉज नेशनल इनकम एट करंट प्राइस मे गिव ए मिसलीडिंग पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। क्योंकि जो नॉमिनल नेशनल इनकम होती है वो आपको एक्चुअल पिक्चर नहीं दिखाती कि आपका गुड्स और सर्विसेज का फ्लो कितना इंक्रीज हुआ। सो वी कैलकुलेट नेशनल इनकम एट बेस ईयर प्राइस। इफ द प्राइसेस आर कंटिन्यूअसली राइजिंग और फॉल, अगर हम देखें कि अगर हम करंट ईयर की बात करें, अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा घट रही है फिर बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि जो हमारी नेशनल इनकम जो है उसमें गुड्स और सर्विसेज का फ्लो कितना हो रहा है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना पड़ता है बेस ईयर प्राइस के बेस पे, ताकि हम ये एस्टिमेट कर सके कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें जो गुड्स और सर्विसेज का फ्लो जो है वो कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, करंट ईयर में अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, तो विद हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अगर इंडिया में बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ जाए तो हम क्या कहेंगे, विद हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया नॉमिनल नेशनल इनकम में क्रिएट ए फॉल्स सेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हो सकता है कि कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, और कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ने से हमारी नेशनल इनकम कौन सी नॉमिनल वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकती है, तो हम क्या सोचेंगे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन इन रियलिटी क्या है, गुड्स और सर्विसेज का तो फ्लो नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब क्या हो रहा है, हाई इन्फ्लेशन आ रहा है, और हाई इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी ना बताएगा कि आपकी एक्चुअल में इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, नेशनल इनकम को बेस ईयर प्राइस पे मेजर करना पड़ता है। और आप सबको पता है कि जो नॉमिनल नेशनल इनकम जो होती है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन करंट ईयर एंड प्राइसेस ऑफ करंट ईयर। नॉमिनल नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज हो सकती है, क्या तो क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाए क्या प्राइसेस को बढ़ा दिया जाए। लेकिन जर्नली क्या होता है, प्राइसेस अप होती है, क्वांटिटी अप नहीं होती। और अगर हम बात करें रियल नेशनल इनकम की, उसमें क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक प्रोड्यूस इन अ कंट्री, जो भी एक नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी प्रोड्यूस की गई है कंट्री में एक ईयर में, वो क्वांटिटी लेंगे और इनटू क्या करेंगे, बेस ईयर प्राइसेस लेंगे। तो इसका मतलब जो रियल नेशनल इनकम है वो कब इंक्रीज होगी, जब क्वांटिटी बढ़ेगी, क्योंकि प्राइस तो क्या है, कॉन्स्टेंट है। इसलिए क्या होगा, इसको हम ग्रोथ इंडिकेटर मानते हैं और इसको हम ग्रोथ इंडिकेटर नहीं मानते। ठीक है, अब अगर आपकी बुक में एक न्यूमेरिकल समझा रखा है कि आप कैसे एस्टिमेट करेंगे, कुछ ऐसे ही हाइपोथेटिकल फिगर ले रखे हैं, उनके बेस पे दिखा रखा है कि आप नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, और आप आसानी से कर लेंगे। जर्नली हम क्या लेते हैं, क्वांटिटी जो होती है करंट ईयर की उसको Q1 लेते हैं, और जो करंट ईयर प्राइसेस होते हैं उसको क्या लेते हैं, P1 लेते हैं। तो Q1 इंटू P1 करेंगे तो क्या आएगी हमारे पास, नॉमिनल नेशनल इनकम, और करंट ईयर क्वांटिटी क्या होती है, Q1, और अगर बेस ईयर प्राइस ले तो उसको क्या लेंगे, P1। तो हम कैसे निकालेंगे, Q1 इंटू P0। तो यहां से क्या ड्राइव होगा, रियल नेशनल इनकम, और यहां से क्या ड्राइव होगा, नॉमिनल नेशनल इनकम। ये सब आपको, आप समझ चुके जीडीपी में, इसलिए फिर भी अगर डाउट लगेगा तो हम इसको आगे लेके चलेंगे इस टॉपिक को। अब हमारी बात आती है कि हम इनको कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्जन। ऑफ नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इनटू कांस्टेंट प्राइस,
ये जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन मतलब चेंज हम कैसे करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे करंट ईयर करंट प्राइस जो नेशनल इनकम की है उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कांस्टेंट प्राइस के बेस पे, मतलब नेशनल इनकम जो है वो नॉमिनल जो है उसको रियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर रियल नेशनल इनकम को नॉमिनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपको सबको पता है हमने जीडीपी डिफ्लेटर पढ़ा था, तो डिफ्लेटर में क्या होता है जो रियल और नॉमिनल का जो रेशियो होता है दैट इज डिफ्लेटर, और वहीं से सारे फॉर्मूलाज ड्राइव होते हैं। तो हमने कहा कि हम ये कह सकते हैं कि प्राइस इंडेक्स इज एन इंडेक्स नंबर विच शोज, इस टॉपिक को हम लेके चलेंगे, इसकी कनेक्टिविटी करने के लिए हम इसको पढ़ा रहे हैं। प्राइस इंडेक्स इज एन इंडेक्स नंबर विच शोज द चेंज इन प्राइस लेवल बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड, टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स में जो चेंज आया है उसको मेजर कैसे करेंगे, प्राइस इंडेक्स के बेस पे मेजर करेंगे। इट इंडिकेट वेदर अ राइज और ए फॉल इन नेशनल इनकम फ्रॉम वन ईयर टू अनदर इज रियल और नॉट, जो हमारा जो नेशनल इनकम जो है वो राइज हो रही है फॉल हो रही है वो क्या रियल में हो रही है या फिर नहीं हो रही। ठीक है, तो आपको पता है कि हमने कल एक बात बताई थी कि जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है उसको हम प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि जीडीपी डिफ्लेटर को प्राइस इंडेक्स क्यों बोलते हैं, लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इनटू कांस्टेंट प्राइस। तो हमने कहा कि प्राइस इंडेक्स जो होता है वो एक चेंज शो करता है कि जो प्राइस में चेंज हुआ बिटवीन टू पीरियड वो कैसे हुआ। अब देखो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस हमें एस्टिमेट करनी है, तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे यहां पे हम लिखेंगे रियल नेशनल इनकम डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। हम इस तरीके से क्या करेंगे नेशनल इनकम जो है वो कांस्टेंट प्राइस पे एस्टिमेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दिया हुआ है प्राइस इंडेक्स जो है वो दिया हुआ है 150, और हमारे पास नेशनल इनकम जो है वो करंट ईयर प्राइस पे दे रखी, मींस नॉमिनल नेशनल इनकम दी हुई है 1,50,000 करोड़। अब हमें क्या करना है, रियल नेशनल इनकम निकालनी है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमारी रियल नेशनल इनकम 1,50,000 डिवाइड बाई क्या करेंगे इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स इनटू क्या करेंगे 100। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगी रियल नेशनल इनकम आ जाएगी इट इज 1,00,000 करोड़, मींस जो करंट ईयर की नेशनल इनकम है वो 1,50,00,000 करोड़ है,
लेकिन अगर उसको रियल में जजमेंट किया जाए बेस ईयर प्राइस पे, तो वो कितनी है? 1 लाख करोड़ है। तो इससे आपको पता चल गया कि ये ट्रू पिक्चर नहीं है इकोनॉमी की, क्योंकि एक्चुअल में तो हमारे पास जो नेशनल इनकम है वो कितनी है? 1 लाख की है। क्योंकि ये जो बढ़ा है, ये जो बढ़ी है, क्यों बढ़ी है? क्योंकि कीमतें बढ़ गई। ओके, तो ये था आपका कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनकम बिटवीन नॉमिनल एंड रियल। अब एक टॉपिक होता है आपका कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट करंट प्राइस वर्सेस नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। तो एज वी नो वेरी वेल, इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन ए ईयर मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइस। जो नेशनल इनकम करंट ईयर प्राइस है, करंट प्राइस है, वो किस पे मेजर होगी? करंट ईयर प्राइस पे मेजर होगी। और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस, तो हम कहेंगे इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। नेक्स्ट बेटा, आपको पता है नेशनल इनकम जो करंट प्राइस पे होती है वो क्या होती है? इट इज नॉट ए गुड टूल फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, बट कॉन्स्टेंट प्राइस पे जो होती है इट इज द बेटर टूल फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। अब देखो, इसका जो ये चेंज हुई है करंट प्राइस वाली नेशनल इनकम, वो क्या होती है? इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस बोथ, इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी। मतलब ये जो चेंज हो सकती है प्राइस के बेस पे भी हो सकती है और क्वांटिटी के बेस पे भी हो सकती है, बट जो रियल नेशनल इनकम होती है इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ओनली। ओके, नेक्स्ट हमने कहा अगर हम इसका कंपैरिजन करें, इट इज नॉट सुटेबल टूल फॉर कंपेयरिंग द नेशनल इनकम ऑफ डिफरेंट ईयर। ये जो है नेशनल इनकम को अगर कंपेयर करेंगे डिफरेंट ईयर्स के साथ तो ये सुटेबल टूल नहीं है, बट जो रियल नेशनल इनकम होती है इट इज जनरली यूज्ड फॉर कंपैरिजन द नेशनल इनकम ऑफ डिफरेंट ईयर। जो रियल नेशनल इनकम होती है वही एक टूल के रूप में यूज होती है कंपेयरिंग के पर्पज से। नेक्स्ट होता है कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम नॉमिनल नेशनल इनकम की, करंट प्राइस इंटू करंट क्वांटिटी बेस पे, बट जो रियल नेशनल इनकम होती है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेस ईयर प्राइस एंड करंट ईयर क्वांटिटी। आफ्टर दैट ऑल्टरनेटिव नेम क्या होते हैं इनके? जो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस होती है उसको हम बोलते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम, और जो नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस होती है उसको हम बोलते हैं रियल नेशनल इनकम। तो बेटा आज का हमारा यही टॉपिक है, हमने इसमें यही पढ़ा कि एक तो हमारी रियल नेशनल इनकम क्या होती है, एक हमने पढ़ा नॉमिनल नेशनल इनकम क्या होती है, एक हमने इनका कन्वर्जन पढ़ा वो कैसे करेंगे इनटू रियल टू नॉमिनल एंड नॉमिनल टू रियल, और एक हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन रियल नेशनल इनकम एंड नॉमिनल नेशनल इनकम। और जो नेक्स्ट जो अकॉर्डिंग टू संदीप गर्ग नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और रियल जीडीपी क्या होती है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूं, व्हेन जीडीपी ऑफ अ गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ सेम ईयर इट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी, एंड व्हेन जीडीपी इज अ गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर इट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। तो ये था आपका रियल जीडीपी, और जो नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो क्या होती है।
और एक छोटी सी बात और ये है कि रियल जीडीपी इज मोर देन नॉमिनल जीडीपी। जो रियल जीडीपी है वो नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा हो सकती है। प्राइस लेवल इन बेस ईयर इज मोर देन प्राइस लेवल इन करंट ईयर। अगर ऐसा हो जाए कि करंट ईयर के प्राइसेस जो हैं, करंट ईयर के प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाएं और जो बेस ईयर के प्राइसेस जो हैं वो ज्यादा हो, पहले जब ज्यादा हो और अब जो है वो कम हो जाए, तो ये ऐसा हो सकता है कि रियल जीडीपी जो है वो ज्यादा हो और नॉमिनल जीडीपी जो है वो कम हो। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दोनों इक्वल भी हो सकती हैं जब करंट ईयर और बेस ईयर प्राइस इक्वल हो, और रियल जीडीपी जो है वो कम भी हो सकती है जब करंट ईयर प्राइसेस ज्यादा हो और बेस ईयर प्राइसेस कम हो। क्योंकि हमने यही कहा है कि जो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी एस्टिमेट होती है वो कैसे एस्टिमेट होती है, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर एंड प्राइस ऑफ करंट ईयर और बेस ईयर। अगर बेस ईयर प्राइसेस जो है वो ज्यादा होंगे तो रियल जीडीपी ज्यादा होगी, करंट ईयर प्राइस अगर ज्यादा होंगे तो नॉमिनल जीडीपी ज्यादा होगी, और अगर बेस ईयर और करंट ईयर प्राइस बोथ आर इक्वल देन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी आर इक्वल। ओके।